नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली स्ट्रोम न्यूज़। साथियों, राजस्थान की धरा जो कि वीर वीरांगनाओं की धरा है, जहां पर पुराने समय से वीर वीरांगनाओं को यज्ञोश देने के लिए गायन और संस्कृति का महत्व रहा है। हमारे साथ हैं आज जैसलमेर के पारस राजपूत, जो कि अपने एक नए संगीत के साथ हमारे स्टूडियो में पधार रहे हैं। पारस जी, आपका डेली स्ट्रोम स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। पारस जी, थोड़ा हमें अपने इस गायन शैली के बारे में बताएं कि क्या आपने एक गाना लाना इंस्टॉल करना चाह रहे हैं या गाना का आप जो करना चाह रहे हैं उसके बारे में थोड़ा कुछ बताएं। जी, मेरा एक राजस्थानी सॉन्ग आ रहा है, उसका नाम है म्हारी जान, और वो एक धुन म्यूज़िक करके जो चैनल है यूट्यूब पे, उस पर लॉन्च होगा। और उस जो भी स्पोटिफाई, सावन, जो भी आपके पास ऑडियो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे भी वो अवेलेबल होगा, तो आप वहाँ पे भी जाके सुन सकते हैं। पारस जी, आप ये जो आपकी संगीत में जर्नी है, ये इस बारे में थोड़ा कुछ बताएं, कहाँ से शुरू हुई, कहाँ से ये बीज अंकुरित हुआ, कहाँ से पलित हुआ, थोड़ा इस बारे में बताएं। क्योंकि हमारी जो राजस्थान की है और स्पेशली पश्चिमी जो जैसलमेर है, यहाँ पे इस तरह से अपना गाना बनाना और ये एक रूढ़वादी मानते हैं, तो उस तरह से आप अपने आप को कैसे पलित किया और किस तरह से थॉट आई, थोड़ा इस बारे में थोड़ी जानकारी प्रदान करें। जी, मेरे फैमिली से ही मुझे ये जो है मतलब शौक जो लगा, क्योंकि मेरे जो मम्मी पापा है उनको शौक था गाने का, तो फिर उन्होंने मेरे अंदर ये चीज़ देखी कि ये भी गा सकता है, तो फिर उन्होंने मेरे अंदर ये चीज़ और अच्छे से डेवलप करने के लिए उन्होंने ट्राई किया, तो वो चीज़ अच्छी हुई। तो उसके बाद मैंने कुछ छोटे मोटे प्लेटफॉर्म्स पे ट्राई किया, जैसे यहाँ पे हमारे मोहम्मद रफ़ी नाइट और किशोर नाइट होती थी, वहाँ पे मैंने गाना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद मैंने मोहन खान जी, जो यहाँ पे मेरे पहले जो गुरु रहे, तालीम मैंने उनसे थोड़ी बहुत ली, उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत सिखाया। उसके बाद फिर मेरा स्कूल से काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट था, तो मेरे को स्कूल में भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला। मेरी स्कूलिंग इमानुएल मिशन स्कूल से हुई है, तो वहाँ से मुझे काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि 26 जनवरी और 15 अगस्त को जो प्रोग्राम होते हैं, उसमें काफ़ी मैंने स्कूल के लिए अवार्ड भी जीते। और फिर फिलहाल मैं अभी मेरी राजस्थान यूनिवर्सिटी से पढ़ाई चल रही है, तो वहाँ से भी मैं काफ़ी कुछ सीख रहा हूँ। और मैंने मेरे गुरु जो थे शकूर खान जी, जोधपुर के गुरु थे, उनसे भी मैंने तालीम ली थी। और फिलहाल अभी मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी से अपने गुरुजन और सीनियर से जो तालीम मिल रही है और जो कुछ उनसे सीख सकता हूँ वो सीख रहा हूँ। क्या हमारे दर्शकों को इस बारे में बताएंगे, संगीत का जो क्षेत्र है जी, इस क्षेत्र में जैसे कि आप बताते हैं प्रोफेशनल तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल, तो हमारे दर्शकों को बताएंगे किस तरह से इस संगीत के कला क्षेत्र में किस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है, ताकि आने वाले नौजवान भी इसको अडॉप्ट कर सके। जी जी जी, मैं देखिए, सबका अलग अलग इंटरेस्ट होता है। मेरा ये मानना है कि अगर आपको किसी चीज़ में जाना है, तो आप उसका पहले बेस मजबूत करेंगे। तो बेस मजबूत, मेरा ये मानना है कि आज के टाइम पे एक अच्छा एनवायरनमेंट होना ज़रूरी है, म्यूज़िक में एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलना ज़रूरी है। तो उसके लिए आप कुछ ऐसा ढूंढिए जो आपको कंफर्टेबल रहे। जैसे मुझे कंफर्टेबल लगा कि मैं एक शिक्षा उसी की उसमें माध्यम से लूँ, ताकि मैं उससे उसमें ही आगे जा सकूँ। काफ़ी बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको म्यूज़िक एज ए आप कह सकते हैं कि पार्ट टाइम भी करना होता है, तो शौक के रूपी भी करना होता है। तो उसी उस तरह के बच्चे होते हैं, वो नॉर्मल इंस्टीट्यूट में भी सीख सकते हैं, बट जिनको इसी में आगे जाना है, वो मैं चाहता हूँ कि इसमें पढ़ाई करें और काफ़ी अच्छा इसमें ग्रोथ हो सकती है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट जॉब भी मिलती है। और आप जैसे आजकल के लोग कहते हैं कि संगीत में क्या है, लेकिन संगीत में बहुत कुछ है अगर आप उसको झांक के देखें। पारस जी, आज के समय में जहां दुनिया रैप के दौर में जा रही है और बॉलीवुड संगीत का वो है डीजे धमाका और ये चल रहा है, आपको राजस्थानी अपनी जो भाषा है इस भाषा में कैसे वो आया, जबकि आपके जो पिताजी हैं वो आप बता रहे हैं कि हम ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे, तो आपने बताया कि कश्मीर से, तो आप कश्मीर से आए और जैसलमेर रहे और यहाँ आप राजस्थान को, अब राजस्थान में गीत गा रहे हैं, तो इस मामले में थोड़ा कुछ बताएं कि अडॉप्ट कैसे कर पाए आप इस संस्कृति के भेदभाव को। जी जी, मैं काफ़ी छोटा था तब, पापा की जॉब यहाँ थी, गवर्नमेंट जॉब, तो हम यहाँ आ गए थे जैसलमेर। उसके बाद मेरा सब रहना सहना जो था सब यहाँ के अच्छे अच्छे लोगों के साथ था, लोकल लोगों के साथ था, तो एक वैसा एनवायरनमेंट मिला कि मैं उस बोली को मुझे धीरे धीरे अडॉप्ट करने का मुझे अच्छा एक मौका मिला, और धीरे धीरे करते मुझे वो बोली अच्छी लगने लगी। तो उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ इसी में ही आगे किया जाए, अगर इसी में कुछ ऐसा बनाया जाए कि दुनिया को पसंद भी आए, क्योंकि मुझे जैसलमेर से वैसे भी बहुत प्रेम मिला है।
जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं पहले भी बहुत प्रोग्राम कर चुका हूँ छोटे छोटे, तो मुझे तब भी मीडिया की तरफ से भी बहुत प्यार मिला और बहुत लोगों की तरफ से भी बहुत प्यार मिला, तो इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया कि क्यों ना कुछ इसी भूमि के लिए किया जाए। पारस जी, हमारे दर्शकों के लिए क्या दो जो आपने गीत बनाया है क्या दो लाइन गुनगुना देंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चांदी जेड़ो रंग है थारो, सोने जेड़ा बाल, एक तुई मारी जान है गोरी, थारे बिना सुनो घरवार। वाह वाह, बहुत ही बढ़िया पारा जी। क्या मैं ही जानना चाहूंगा, इसमें जो वोकल तो आपने दिए हैं ऑब्वियसली, तो म्यूजिक जो है वो आपने अरेंज किया है या म्यूजिक का कैसे हो रहा है? म्यूजिक मैंने जोधपुर से सम्राट भैया हैं उनसे लिया है और रिकॉर्डिंग भी उन्होंने की थी और बाकी इसमें एक्टिंग मेरी है और वोकल भी मेरा है। अच्छा अच्छा, तो ये जो हमारा सॉन्ग है आपका जो मारी जान, ये कौन कौन से प्लेटफॉर्म में और कब रिलीज होने वाला है? ये आज रिलीज हो जाएगा और ये आपको यूट्यूब पे मारी जान करके जिसका जो टाइटल है वो ये है और एक धुन म्यूजिक यूट्यूब चैनल पे मिलेगा आपको और जितने भी ऑडियो प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर भी आप मारी जान करके आपको मिल जाएगा। पारस जी, हमारे स्टूडियो में बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह म्यूजिक बनाते रहें और हमारे दर्शकों के साथ शेयर करते रहें। ये थे पारस जी, इनके जो वीडियो लिंक्स हैं वो हमारी स्क्रीन पर आपको मिल जाएंगे, आप चाहें तो जाकर सुन सकते हैं।